हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में छोटा सा हम पॉइंट पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस एसिड का किस तरह हम एल्कीन पे एडिशन करवाएंगे हम आपको स्पेशली ये बताएंगे। हमें क्या होगा, एच ओ एक्स जो होता है हाइपोहैलस एसिड। इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे, आप इस तरह इसको ब्रेक करेंगे, इस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज डेवलपमेंट होगा और इसको क्या होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलपमेंट होगा। यदि आपको यही पॉइंट आ गया समझ में, OH ग्रुप हमारा क्या होगा नेगेटिव ग्रुप होगा, यहाँ पर X ग्रुप क्या होगा पॉजिटिव ग्रुप होगा। यदि आपको ये पॉइंट आ गया तो आप हाइपोहैलस एसिड एल्कीन पे किस तरह एडिशन होगा, आप 2 मिनट में विथिन मिनट के अंदर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा, एक कौन सा रूल फॉलो करते हैं, जब अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा मार्कोनिकॉव रूल। फॉलो द मार्कोनिकॉव रूल, जब भी क्या होगा किसी एल्कीन पे जब भी हम एच ओ एक्स का एडिशन करवाएंगे तो मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेंगे। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन गिवन होगा, सिमेट्रिकल होगा तो कोई बात ही नहीं, चाहे इससे आप एडिशन करवा देंगे। सबसे पहले हम आपको क्या बताते हैं, रूल किस तरह आप फॉलो करेंगे। रूल में यही रूल आपके जो ट्रिक का काम करता है। सबसे पहले आप क्या लेंगे, एल्कीन लेंगे। एल्कीन का जैसे आप रिएक्शन करवाएंगे एच ओ एक्स, हमें इस एल्कीन पे इस एच ओ एक्स का एडिशन करवाना है। इसका क्या नेम हो जाएगा, हाइपोहैलस एसिड। तो किस तरह इसको हम ब्रेक करेंगे, जब भी इसको हम ब्रेक करेंगे यहाँ पर क्या होगा एक नेगेटिव चार्ज हम देंगे और इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज देंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, नेगेटिव चार्ज हम, क्योंकि जब मार्कोनिक रूल फॉलो होगा तभी, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तभी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, अदरवाइज सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई मार्कोनिक रूल फॉलो नहीं होगा। क्लियर, जिसे यहाँ पर हम क्या देते हैं, मान लीजिए हम एक्स दे देते हैं और ओएच ग्रुप इसको दे देते हैं, यह हमारा नॉर्मल रूल हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पर हम ओएच देंगे और यहाँ पर हम क्या देंगे एक्स देंगे, तो क्या होगा इसका क्या नेम हो जाएगा, एक कार्बन से OH ग्रुप एड है और एक कार्बन से हैलाइड एड है, तो क्या होगा हाइपोहैलस एसिड। नहीं, इसका क्या नेम हो जाएगा, हैलोहाइड्रिन। क्या चेंज हो रहा है इसमें, हैलोहाइड्रिन, ये हमारा क्या होगा हाइलो और ओएच हाइड्रिन, इसका क्या नेम हो जाएगा हाइलो हाइड्रिन। क्लियर, एल्कीन लेंगे, एल्कीन में जब भी हम एच ओ एक्स का एडिशन करवाएंगे यहाँ पर ओएच ग्रुप नेगेटिव का काम करेगा, यहाँ पर एक्स ग्रुप पॉजिटिव का काम करेगा। बस यही आपको लर्न करना है, एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ओएच ग्रुप इसको देंगे, एक एक्स ग्रुप हम इसको देंगे, तो क्या होगा हैलोहाइड्रिन में चेंज होगा। अब हम आपको दो एग्जांपल बताते हैं, एक सिमेट्री हो, एक जब अनसिमेट्री एल्कीन हो। अनसिमेट्रिकल जब एल्कीन होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉव रूल फॉलो होगा। एग्जांपल हम आपको बताते हैं, क्या लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl, इसका क्या नेम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नेम हो जाएगा हाइपो
क्लोरस हाइपोक्लोरस एसिड। क्या करेंगे, इस एल्कीन को हम ब्रेक करेंगे। एक क्या होगा, इसमें निगेटिव पार्ट का काम करेगा और एक पॉजिटिव पार्ट का काम करेगा। वेज ग्रुप हम इसको दे देंगे, सीएल ग्रुप हम इसको दे देंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखिए सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच सी एल। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन। इसका क्या नहीं हो जाएगा, इतना ग्रुप एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन। क्या नेम आया, एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन। एथिलीन ये हमारा ग्रुप एथिलीन हो गया, फिर क्लोरो फिर हाइड्रीन, एथिलीन क्लोरो हाइड्रीन। क्लियर। अब हम आपको एक एग्जांपल अनसिमेट्रिकल बताते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप किस तरह लेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कौन सा हम रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। इधर आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा, जो एग्जाम में आएगा एग्जाम्पल, यही हम ले रहे हैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। क्या होगा, वन प्रोपीन। वन प्रोपीन के जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे एच ओ सी एल का, एच ओ सी एल को हम क्या कहेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। इसको जब भी ब्रेक करेंगे इसको हम निगेटिव चार्ज देंगे और यहां पर हम क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, इसमें जब भी हम, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब क्या होगा, यहाँ से जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे दो बराबर भागों में ना बटे, इस साइड दो कार्बन हो रहा है, इस साइड एक कार्बन हो रहा है, बराबर भागों में नहीं बटता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमें गिवन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब इस कंपाउंड का हम एडिशन करवाएंगे, कौन सा रूल फॉलो करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है, नेगेटिव पार्ट हम उसी कार्बन पे एड करेंगे जिस कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगा। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन, यहाँ से बॉन्ड एक ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पार्ट हम उसी कार्बन पे एड करेंगे जहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगा। ये क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, वहाँ पर एड करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उसे हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें ओनली मार्कोनिकॉफ रूल ही एप्लीकेशन होता है। एक बार हम आपको आगे रिकॉल करवाते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है, निगेटिव पार्ट हम उसी स्थान पर एड करेंगे जिस कार्बन पर क्या होगा, सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होगा। यहाँ पर देखिए एक ही हाइड्रोजन उपस्थित है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर हम एड करेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारा देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एल। तो क्या होगा, नंबर कहाँ से करेंगे, वन टू थ्री। क्या हो जाएगा, प्रो क्या लिखा, वन क्लोरो प्रो एंड टू आल वन क्लोरो। देखिए नंबरिंग हम कैसे करें, यहां से हमारा कोई ग्रुप जुड़ा है इसलिए नंबरिंग हम यहां से करना स्टार्ट करें, वन टू थ्री। थ्री कार्बन कंपाउंड को रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप
कार्बन कार्बन समझा सिंगल बॉन्ड इसलिए एन और टू पोजिशन पे ओएच ग्रुप लगा इसलिए आल हो गया और वन पोजिशन पे हमारा साइड चेन का काम करेगा जो प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे वन क्लोरो प्रोपेन टू आल। क्लियर। एक बार हम आपको आईपीसी हमने जब रूल बताया है रूल फर्स्ट रूल सेकंड रूल थर्ड आप वहां से जाके पढ़ेंगे हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी खूब अच्छे से विथ एक्सप्लेन एग्जाम्पल साथ हमने आपको बताया है वहां पर आप जाके आईपीसी पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आपको नेक्स्ट एक वीडियो में पढ़ाएंगे कि इसी कंपाउंड में एल्कीन का ही ग्रुप होगा केमिकल प्रॉपर्टी अगेन स्टार्ट करेंगे।